नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। लांजी कलार समाज लांजी द्वारा भी 151,000 की राशि कोविड रोगी कल्याण समिति में SDM परमार को सौंपी गई। सिविल अस्पताल लांजी में 1 मई को रोगी कल्याण समिति की बैठक सुश्री हिना कावरे, विधायक रविंद्र परमार, SDM दुर्गेश आरमो, रंजीत सिंह ताराम, CEO डॉक्टर प्रदीप गेडाम, BMO की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और बेहतर व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान अजय अवसरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद आसटकर, ब्लॉक कांग्रेस युवा अध्यक्ष मनीष पांडे, संदीप रामटेकर आदि उपस्थित रहे। इसी बैठक के उपरांत लांजी कलार समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में 151,000 की सहयोग राशि SDM रविंद्र परमार को सौंपी गई। अस्पताल में दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था कम थी, मगर जब सारे दल, सारे समाज के लोग जब उसमें जुड़े, अपना सहयोग दिए, तो अस्पताल की स्थिति सुधरी है। मरीजों की संख्या, एडमिट होने की संख्या ज़्यादा जरूर है, मगर व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि अभी काफ़ी लोग, अधिक से अधिक लोग जो है वहाँ से सुधर के जा रहे हैं। अब मृत्यु दर भी कम हो गई है, भले संख्या जो है एडमिट होने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो बेड की भी संख्या बढ़ी है, दवाओं की व्यवस्था अच्छी हुई है, ऑक्सीजन की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, इसमें लांजी तो बहुत अच्छी स्थिति में है। और इस कारण से जो है आज के द्वारा आपके द्वारा जनहित में जो कार्यक्रम किया जा रहा है और जो दिया गया, कोरोना महामारी संकट के समय हमारे कला समाज के द्वारा, सभी सामाजिक बंधुओं के द्वारा एक राशि जमा की गई। कितनी राशि है लगभग? 151,000 रुपए की राशि जमा की गई। और आज हमने SDM साहब को यहाँ पे लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भी वो इस्तेमाल करें या उपयोग करें, हमने उसके लिए समाज की ओर से भेंट दी है। प्रशासन के साथ में क्या पूरी कार्य व्यवस्था है और आगे क्या चल रहा है? कोविड को ध्यान में रखते हुए आगे क्या तैयारी अपने को करना है? हॉस्पिटल में और कौन सी सुविधाएं बेहतर हो सकती है? पिछली बार जो मैंने विजिट किया था उसमें जो दिक्कतें थी उन पर कैसे उसको दूर करना है, उस पर बात हुई है। अभी विधायक निधि की भी कुछ राशि 24 लाख समथिंग कुछ हमने दिया है, और ये भी कहा है कि जो भी आवश्यकताएँ पड़ती है हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों में भी, यदि अपने को इसको रोकने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी आवश्यक चीज़ों की, उन सब की पूरी लिस्ट बनाकर, उन सब की सामान की पूरी सूची बनाकर उसको क्रय करने का, और मरीज की सुविधाओं का, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके, इन सब चीज़ों को लेकर पूरी चर्चा हुई है। पैसों को कैसे खर्च करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बाकी सारी चीज़ों पर भी उन्हीं व्यवस्थाओं पर सारी चर्चाएँ हुई। पंचायत स्तर पर क्या है? पंचायत स्तर पर जैसे जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, वो आ तो हमारे ग्राम पंचायतों से रहे हैं, उनके परिवार वालों को कैसे ट्रीट किया जाए वहाँ पर, कैसे उनको, ताकि एक व्यक्ति अगर अफेक्टेड है तो उससे परिवार वालों को ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इस वजह से उनको कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये हमने CEO के साथ भी बात किया है, और उसको कैसे रोक सकते हैं इस पर भी हमने विचार किया है। क्वारंटाइन सेंटर्स तो बना दिए, लेकिन यदि उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई गिरावट आती है तो उसके लिए क्या करेंगे, चाहे वो ऑक्सीमीटर के माध्यम से हो या उनका फीवर चेक करके कि कैसे क्या करना है, यदि थोड़ी भी स्थिति उनकी क्रिटिकल होती तो उनको सीधे हॉस्पिटलाइज करने के लिए उन सभी विषय पर बातचीत हुई है। देखिए, ये तो जैसे जैसे अपने पास स्टॉक अवेलेबल होगा साथ को सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, क्योंकि जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो तो आपको सभी को पता है, और सबको इसमें मिलकर ही हमको लड़ाई को जीतना है। इसलिए इन सब चीज़ों में कमियों को ना देखते हुए अभी तो इसको कैसे कर सकते हैं उसी पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है हमारा। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।